अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की नई रेसिपी के क्या है, तो अभी मैं चल गई किचन में, आपको बताती हूँ। हाँ जी, मैं अभी किचन में आ गई हूँ, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ आज की जो रेसिपी है। मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि आज की रेसिपी में क्या खास है। बादाम, ये मैं थोड़े से बादाम लिए हैं, ये अखरोट है, और आधा कप ये मैंने शुगर लिया है, चीनी, ये पीनट है, मूंगफली इसको भी छी, ये पिस्ता है, गाजर है, ये सारी मैं कद्दूकश कर चुकी हूँ, ये देखें ऐसे ही है। ठीक है, तो अभी मैं इनको चढ़ा देती हूँ चूल्हे पे। ये देखें मैंने चढ़ा दिया है, अब इसके अंदर डाल के थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। ठीक है, अब इसमें ये 2 गिलास भर के पानी डाल दूंगी, फिर इसको ढक दूंगी। और ये जो पिनट्स हैं सारे, वो पिनट हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको भगो के रख दूंगी ताकि इनका छिलका उतर जाए, ये चारों का। ये देखें भाप इतनी ज़्यादा उठ रही है, तो तस्वीर वो वीडियो ही सही नहीं बन रही। अब अभी भी फ़र्क है इसमें। अब इसमें मैं चीनी ऐड कर देती हूँ। आप अपने हिसाब से चीनी ज़्यादा कम डाल सकते हैं, मैं फिर फोटो का अपने हिसाब में तकरीबन आधा कटोरी डाली है, ये कम है ज़्यादा है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ये ज़्यादा मीठा खाया नहीं। अब मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि नमक का टेस्ट अपनी जगह। ठीक है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चाहें तो नहीं कर सकते। और एक दाना भूल गई हूँ कि मैं इसमें दूध नहीं डालूँगी, गजरेला विदाउट दूध के है, तो बने रहिए मेरे साथ कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। इसका भी पानी जो मैंने 2 गिलास डाले थे अभी काफ़ी हद तक खुश्क हो गए, ये अभी पानी और खुश्क होगा तो फिर सही बन जाएगा, ये साथ लग जाता है। इसको ऐसे ऐसे करके उतार लेना, पानी बिल्कुल खुश्क तो नहीं हुआ मगर थोड़ा बहुत है। अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ ऑयल। ऑयल इतना ज़्यादा नहीं शामिल करना, सिर्फ हिसाब का ही करना है। देखिए अब खुश्क हो रहा है ये, अभी और थोड़ा खुश्क करना है इसको। अभी थोड़ा बहुत ऑयल निकल रहा है, ज़्यादा ऑयल निकलेगा तो फिर बड़े में डाला था, आप देखें बहुत छोटा सा थोड़ा सा रह गया है, छोटा कह रही हूँ, मैंने कहा इतने बड़े देशके में डाला कितना था और रह कितना गया है। अब इसमें मैं शामिल करती हूँ केवड़ा, थोड़ा सा चंद कतरे डालने हैं, ये देखिए मैं इसके ढक्कन के अंदर ही, ये बस ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ी बहुत ही खुशबू के लिए। मैंने इलायची नहीं डाली, अभी इसके अंदर ये देखें हमारे पिंडी वालों की गैस नज़र आई है आपको नज़र नहीं आ रही होगी, और यहाँ देखें
मैंने वो फुल छोड़ा हुआ है खुला, और ऊपर से गैस ना होने के बराबर है। इतनी गैस पर ये मैं बस पकने के लिए रख दिया, आस्ता आस्ता पकता रहा है। ये देखिए मेरा गजरेला तैयार हो गया है। अब इसमें ऐड करती हूँ मैं दो चीज़ें। एक तो मैंने जो आपको बताया था कि मैं इसमें ड्राई फ्रूट डालूँगी, और एक और चीज़ मैं बताना भूल गई थी, वो फ्रिज में पड़ी थी तो मुझे याद ही नहीं रहा कि आपको पहले दिखाती, अभी मैं बताती हूँ। तो अभी मैं ऐड करने लगी हूँ ड्राई फ्रूट। ये सारे ड्राई फ्रूट एक साथ मैंने कर दिए थे क्योंकि भिगो के रखे हैं। बादाम भी हैं, काजू भी हैं और मूंगफली भी है। जी तो ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, ये है मावा, तो इसलिए मैं इसमें दूध नहीं डाला क्योंकि मैं मावे वाला बनाना चाह रही थी, तो इसलिए ये मैं पहले भूल गई थी, फ्रिज में पड़ा था। तो ये आप चाहें तो जैसे बंद करें तो उसी वक्त आप डाल सकते हैं, अगर सब घर वालों को एक साथ आप देना चाह रहे हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि जैसे गर्म करने के बाद ऊपर से प्लेट में डाल के दे दें तब भी डाल के दे सकते हैं, अगर आपके अफराद कम हैं या कोई अफराद अभी आपके घर में है या नहीं है तो आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी इसको इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं, तो वो आएंगे दोबारा मैं इसको गर्म करूँगी तो उस वक्त मैं इसको ऐड करूँगी। चलें जी, मेरे हस्बैंड आ गए हैं, मैं जल्दी जल्दी मावा शामिल किया है तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर कर लूँ। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी तैयार हुआ है, आप भी बनाइएगा। ठीक है जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अल्लाह हाफिज़।